नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार त्रेहड़ के पीली डैम पर आयोजित हुई 3 दिवसीय जल क्रीड़ा का आज जहां मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने शुभारंभ किया। वही मंडलायुक्त ने बताया कि अभी तो सिर्फ इंटर स्टेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, लेकिन भविष्य में यहाँ नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें 16 प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जो ओलंपिक में भी शामिल हैं। हमारे लिए ये जो आज की शुरुआत हुई है वाटर स्पोर्ट्स की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कई मायने में। एक तो बिजनौर की जो संभावनाएं हैं उसको एक्सप्लोर कर, बिजनौर के एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनौर के जिलाधिकारी समेत उनकी पूरी टीम एक्सप्लोर कर रही है पर्यटन के साथ साथ स्पोर्ट्स को जोड़ना। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं पीली डैम पर, ये वाटर स्पोर्ट्स की करीब करीब 16 प्रतियोगिताएँ ऐसी हो रही हैं जिसमें जो ओलंपिक में भी शामिल हैं। हमारे जो यहाँ के जितने प्लेयर्स हैं उनको एक बढ़िया जगह मिले, एक बढ़िया ट्रेनिंग मिले, एक बेहतर वातावरण मिले, इसकी भी एक शुरुआत है जो हम करने जा रहे हैं। और इसके बहाने हमारे यहाँ पर्यटन की जो संभावनाएं हैं, आप देख रहे हैं पीछे अमानगढ़ फॉरेस्ट है और बिजनौर में भरत की धरती, विदुर की धरती है ही है, वहाँ विदुर कुटी है, उससे लेकर ये सारी चीज़ें जब हम जोड़ते हैं तो एक प्राकृतिक वातावरण से लेकर ऐतिहासिक, पौराणिक सब तरीके की संभावनाएं उनको हम जोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स को जोड़ रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान है। और इसमें जिलाधिकारी बिजनौर के साथ जो वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े एसोसिएशन के सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक भूमिका रख रहे हैं, अभी एक नींव रख रहे हैं। आगे आने वाले समय में, यानी अगले ही साल अभी इंटर स्टेट स्पोर्ट्स हो रहा है, आगे अगले वर्ष शायद हम नेशनल स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, और उसके आगे जैसे जैसे हम यहाँ सुविधाएं विकसित करते जाएंगे हम इसको और बढ़ाते जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे। और उसमें हमने एक चीज़ का खास ध्यान रखा है, ये पीली डैम है, इरिगेशन इसको देखता है, इरिगेशन के सभी अधिकारी भी इसमें हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और फॉरेस्ट के अधिकारी भी, प्रकृति के साथ साहचर्य बना रहे, हम कहीं से किसी तरीके से डिस्टर्ब न करें प्रकृति को। और जो पर्यटन का हम पर्यटन को प्रमोट कर रहे हैं वो भी हमारे प्रकृति को बेहतर बनाने वाला हो, कहीं से नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, तो एक बेहतर सामंजस्य के साथ जो पूरा जिला प्रशासन बिजनौर इसमें काफ़ी समय से मेहनत कर रहा है और आज एक उसमें से एक हिस्सा आपके सामने है। और आगे आने वाले समय में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। ये प्रतियोगिता तो वैसे 3 दिन की, क्योंकि हमने अभी शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे जब हम यहाँ पे एक फुल प्रूफ एक ट्रेनिंग का सिस्टम एस्टेब्लिश कर लेंगे तो आने वाले समय में वर्ष भर यहाँ कुछ न कुछ होता रहेगा। और सिर्फ प्रतियोगिता की बात नहीं है, उसमें ट्रेनिंग की बात है, उसमें पर्यटन के दृष्टिकोण से आमजन के लिए भी स्पोर्ट्स कोट की सुविधाएं, वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं डेवलप करने की बात है, वो सारी चीज़ों को हम करेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे विकास करते जाएंगे लोगों के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप। जल क्रीड़ा में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका संवर्धन किया। प्रतियोगिता में कियाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, कैनो पोलो, राफ्टिंग, ड्रैगन नाव आदि खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जल क्रीड़ा उत्सव में पहुंचे पर्यटकों ने भी जल क्रीड़ा उत्सव का खूब आनंद उठाया। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।